एयर इंडिया के लिए भी आप खेले हैं कई सालों तक एयर इंडिया के लिए खेले हैं महेंद्र सिंह धोनी आपकी टीम में रहे बहुत बड़े बड़े दिग्गज आज की जो क्रिकेट क्रिक क्रिक के नाम है वो आपके साथ खेले हैं एक मैच की कहानी मैं पढ़ रहा था और आपसे जो सुनना चाहूँगा बड़ा दिलचस्प कहानी है कि महेंद्र सिंह धोनी और आप आमने सामने बल्लेबाजी कर रहे थे उस मैच में आपने बहुत महेंद्र सिंह धोनी से ज़्यादा रन बनाए थे और मैंने मैन ऑफ द मैच भी आप थे नहीं ऑफ मैच महेंद्र सिंह धोनी थे अच्छा मैन ऑफ द मैच वो थे लेकिन आपने रन अच्छे बनाए थे टीम को जिताया था वो मैच की क्या कहानी है आई थिंक जब बी ने एक साल है ना एक कॉर्पोरेट कार्पोरेट अनाउंस किया था ने नहीं उसको ऑर्गेनाइज किया था और एयर इंडिया के पास जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि एयर इंडिया के पास ना बहुत सारे बड़े बड़े खिलाड़ी थे यूवी पा थे भज्जू पा थे रैना खेल रहा था रॉबिन उत्तपा थे धोनी थे आर पी सिंह थे तो बहुत सारे प्लेयर्स थे तो इस वजह से हमें दो टीम एंट्री हुई थी हमारी एयर इंडिया रेड और एयर इंडिया ब्लू तो जो हमारा जो सेंटर था वो एयर इंडिया ब्लू का चंडीगढ़ में मैचेस खेल रहे थे और मेरी टीम हमारी टीम में कैप्टन थे भजुपा कैप्टन थे धोनी पे थे उस टीम के अंदर आरपी थे बहुत जबरदस्त टीम थी वहाँ पे कैब भाई थे तो दूसरी टीम में यूपा थे तो वह मुझे याद है जब चंडीगढ़ में हमारा सेंटर था वहाँ मैचेस खेल रहे थे तो फर्स्ट मैच में ही मेरी और एमएस धोनी की बहुत बड़ी साझेदारी हुई थी और दोनों ने सेंचुरी बनाई थी तो वहाँ पे उनसे बैटिंग करते हुए बहुत कुछ सीखने को मिला था कि किस तरीके से एक ऐसा दिग्गज खिलाड़ी जो मतलब इतने बड़े मुकाम पे पहुंच गया है और किस तरीके से हर जगह हर गली में हर शहर में उनकी उन्हीं नाम उन्हीं के नाम का बोलबाला चल रहा है तो जब वो मेरे साथ खेले और दस पंद्रह दस एक दिन हमने जब इकट्ठे टाइम स्पेंड किया था एक ही ड्रेसिंग रूम में तो मैंने बातचीत ही बहुत करी थी उनसे किस तरीके से आप अपने करियर को देखते हैं और किस तरीके से मतलब आपका प्लानिंग क्या रहती है मैचेस में तो वो एक बड़ी अच्छी बात करते थे तो मैं उनको मैचेज में फॉलो कर रहा था कि मतलब है ना ज़्यादा ऐसा नहीं कि हमारे टाइम साथ में ही थे तो प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा कुछ अलग काम कर रहे हैं लेकिन जब भी मैं उनको ड्रेसिंग रूम में देखता था ना तो वो हमेशा कुछ ना कुछ ना गेम को रीड कर रहे होते थे ऐसा नहीं कि मतलब इधर गप्पे मारी उधर गप्पे मारी तो हमेशा जब वो मैच चल रहा है तो हमेशा वो गेम को रीड कर रहे होते गेम में चल क्या रहा है और इसी वजह से देखते हैं ना जब वो ट्रांजिशन आया जब एम धोनी को लोगों ने देखा था एक मारते हुए ऐसे बल्लेबाज जो पहली गेंद पर छक्का मारता था फिर उन्हें अपना किस तरीके से गेम चेंज कर लिया पाँच छः नंबर पर आते गेम को डीप लेके आते थे और वहाँ से ही मैचेज जिताते थे तो ट्रांजेक्शन ऐसे नहीं हो लगातार गेम को रीड करके कि इस सिचुएशन में मैं कैसे मैच जिता सकता हूं अगर मेरी उस नंबर पर बल्लेबाजी आई तो मैं कैसे मैच जिता सकता हूँ दूसरी टीम में गेंदबाज क्या कर रहे हैं क्या उनकी स्ट्रेंथ है कहाँ पे वो गेंदबाजी उनको कर सकते हैं तो इस तरीके से हमेशा ना लगातार गेम को रीड कर रहे होते थे और वही एक अच्छी बात भी होती है जो प्लेयर्स होते हैं वो लंबे टाइम तक तो जब वो मैचेस जिताते हैं अपनी टीम को ना वो लगातार आपकी गेम के अंदर चेंजेस तो आते रहते हैं लेकिन वहां पे भी उसके बाद भी अगर अपनी मैचेस टीम को मैचेस जिताने हैं तो उससे पता चलता है कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है क्योंकि गेम चेंज करना आसान काम नहीं है लेकिन जिस आसानी से उन्होंने करके तो सबसे बड़ा गेम चेंजर माना जाता है और जितनी आसानी से उन्होंने अपना थोड़ा सा गेम चेंज करके मैचेस जिताए है ना मैचेस उतने ही जिताए हैं ऐसे नहीं मैचेस जिताने कम कर दिए उन्होंने मैचेस उतने ही जिताए है लेकिन जिस तरीके से थोड़ा सा उन्होंने अपना गेम चेंज किया क्योंकि आप शुरू में देखते हैं उन्हें कैरियर में सौ बॉल में डेढ़ सौ रन बनाते पचास बॉल में बहुत रफ्तार से रन बनाते बहुत रफ्तार से खेलते लेकिन आखिर में थे दे देखेंगे ना वो गेम को डीप लेके जाते और वहाँ भी थे बिल्कुल, बिल्कुल 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 उस वक्त क्योंकि काफी वक्त पुरानी बात है जो हम आप बता रहे हैं कहानी उस वक्त के धोनी में क्या फर्क जो बाद में धोनी बने जब क्योंकि आप तो बहुत शुरुआत की बात दो हजार आठ नौ के आसपास की बात होगी जो आप मैच की बात बता रहे दो हजार आठ की हाँ हाँ वही बात होगी उसके बाद से धोनी में क्या बदला क्योंकि वो तो शुरुआती दौर था महेंद्र सिंह धोनी का बाद में तो बहुत लंबे वक्त तक वो खेले देखिए आप जितने साल तक वो क्रिकेट खेल रहे हैं आई पी कितनी हो चुकी है लेकिन अभी तक वो बंदा अभी तक क्रीज पे मौजूद है और जिस तरीके से वो खेल रहे हैं आप कोई भी कह नहीं सकता कि यू you नो know, कि इतनी एज होगी आप रिटायर हो जाइए इस साल भी आप देख लीजिए सीएस के लिए कितना बढ़िया नीचे आगे प्रदर्शन कर रहे थे बिल्कुल, बिल्कुल। रोल थोड़ा सा लिमिटेड हो गया है लेकिन वो उनकी बल्लेबाजी का अंदाज वैसे ही है अभी भी लोग है ना खौफ है उनका जब वो ग्राउंड में उतरते हैं तो गेंदबाजों का भी खौफ है और मतलब बिल्कुल लगता है कि गेंदबाजी करी जाए तो करी कहाँ जाए पर आप देखिए कि जब इतना लंबा कैरियर होता है ना तो थोड़े से उतार चढ़ाव रहते रहते हैं और आपको गेम है ना थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है आपका रोल अलग हो जाता है ऐसे नहीं कि आप वो उस साल पहले खेलते थे, थे तो आप हर बॉल में मारे तो अब भी मार सकते हैं गेंदबाज भी बल्लेबाजों को पकड़ना शुरू करते हैं लेकिन जो मुझे खास बात अगर आप एम एस धोनी की लगती है ना वो जितने मैचेस तब जिताते थे ना वो उतने मैचेस अभी जिताते हैं और जो मैं पहले भी कह रहा था कि उनको है ना गेम रीड करने की जो सेंस है ना वो बहुत कम प्लेयर के अंदर होती है जिस बढ़िया तरीके से वो गेम को चलाते हैं ना अगर मुझे ऐसा लगता है कि सीएसके की टीम से आप एमएस धोनी को उठा देंगे ना तो टीम आधी हो जाएगी बेशक से वो उस टीम के अभी कैप्टन नहीं है लेकिन नहीं। असली लीडर वही है उनको पता है कि वो किस तरीके से गेम चलाना है चाहे वो फील्डिंग कर रहे हो विकेट कीपिंग कर रहे होंगे ना उनको गेंदबाजों को चलाना आता है उनको फील्डर्स को चलाना आता है अब उनको पता है कि थोड़ा सा घुटने में प्रॉब्लम आ रही है इतनी लंबी पारी नहीं खेल सकते इतनी ज्यादा गेंदे नहीं खेल सकते तो उस तरीके से उन्होंने मेहनत भी करी है। अगर दस गेंदे खेलें तो पहली गेंद पर मारना पड़ेगा ऐसे नहीं कि आप चार गेंदे खेल पाएंगे और फिर मारेंगे इतनी देर में तो आपका रन रेट स्लो हो जाएगा उससे पहले आप दो साल पहले रोल देख लीजिए शुरू में आगे समय लेते थे फिर आखिरी मारते थे उससे पहले आप शुरुआत में देख लीजिए पहली गेंद पर ही मारते थे तो लगातार उन्होंने अपने गेम गेंद चेंज किया है जिस तरीके से सिचुएशन है जिस तरीके से वो टीम को जिता सकते हैं उस तरीके से उन्होंने अपना खेल दिखाया है और मैचेस जिताए हैं